नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दी, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, धनतेरस के दिन इन 12 चीजों को खरीदने से भाग्य 15,000 गुना प्रबल होगा। धन प्रदोषी का दिन प्रायः धनतेरस पूजा के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। आयुर्वेद के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वैदिक योग में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता था, हालांकि आज भी यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य धर्म का साधन हमारा शरीर ही है। वेद में भी कहा गया है, हिंदू समाज में धनतेरस सुख समृद्धि यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की पूजा का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी की ओर मनाया जाने वाली इस महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है कि इसी दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन यमराज से राजा हिम के पुत्र की रक्षा उसकी पत्नी ने किया था, जिस कारण दीपावली से दो दिन पहले मनाए जाने वाले ऐश्वर्य का त्योहार धनतेरस पर सायकाल को यमदेव के निमित्त दीप दान किया जाता है। इस दिन को यम दीप दान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों में साफ सफाई एक पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है, और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। धनतेरस के दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। साल का एक यही दिन है जिस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि के समय देवता यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए। दीपावली के पहले धनतेरस पर घर में कुछ खास चीजें लाने से धन की प्राप्ति होती है, जैसे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदे। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को धनतेरस के दिन घर लाने से घर में धन संपत्ति का आगमन रहता है, और पूरे साल घर घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती। धातु का सामान जैसे सोना चांदी या पीतल, इस दिन सोना चांदी खरीदने से व्यक्ति के भाग्य में इजाफा होता है। धातु से बने बर्तन और गहने खरीदने के लिए धनतेरस का दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन धातु का सामान घर में लाने से घर में सदैव लक्ष्मी बनी रहती है। स्फटिक कलंक यंत्र घर लाने से लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन स्फटिक का श्रीयंत्र घर लाएं और दीपावली की शाम को इसी लक्ष्मी पूजन स्थल पर रखकर इसकी पूजा करें। पूजा के बाद इस यंत्र को केसरिया कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें।
इससे सदा वहाँ बरकत बनी रहेगी। झाड़ू, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के मौके पर नए झाड़ू को घर लाएं, इससे नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाएंगी और साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। कौड़ी, कहा जाता है कि कौड़ी को घर में रखने से उस घर में कभी भी धनाभाव नहीं रहता, इसीलिए धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर घर लाएं और लक्ष्मी पूजा के समय इसे भी शामिल करें। पूजन के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन वाले स्थान पर रख दें, वहां कभी धन की कमी नहीं होगी। शंख, शंख सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस दिन शंख को घर लाएं और इसे दीपावली पूजन के समय बजाएं, इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और घर के अनिष्ट टल जाएंगे। नमक, दीपावली के मौके पर नमक का पैकेट भी घर लेकर आए और इसे दीपावली के दिन इस्तेमाल भी करें। कहते हैं कि नमक खरीद कर लाने से साल भर धनाभाव नहीं होता और सुख समृद्धि घर में ही टिकी रहती है। दीपावली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा घर में लगाने से हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। धनिया, धनिया धन का प्रतीक है, इसीलिए इस धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर लाएं और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय इसकी भी पूजा करें। दीपावली पूजन के बाद घर के आंगन या गमलों में इसी मोरक दें, या धनदायक है। कुबेर की मूर्ति या तस्वीर, धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति या उनकी तस्वीर लाकर उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद जहां धन रखते हो वहां पर रखें। गोमती चक्र, धनतेरस के दिन गोमती चक्र का बहुत महत्व होता है। इस दिन इसकी पूजा करके इसे तिजोरी में या खुद धारण कर सकते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष, धनतेरस के दिन सात मुखी रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व होता है। सात मुखी रुद्राक्ष का पूजन करेंगे तो इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ महादेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। दिया, धनतेरस के दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। साल का यह एक ही दिन है जिस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि के समय देवता यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स धनतेरस के दिन इन 12 चीजों को खरीदने से भाग्य 15,000 गुना प्रबल होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें, जिससे आपको लक्ष्मी माता का मेहरबानी बना रहे आपके ऊपर। और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।